ग्वालियर में कांग्रेस ने निकाली विजय रथ यात्रा। कांग्रेस के किसान प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने इस रथ यात्रा का शुभारंभ किया। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री कमलनाथ सभी जिलों में गौशाला किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे और जल्द से जल्द किसानों को उनको मिलने वाले लाभों को दिलाएंगे। दिनेश गुर्जर ने बताया कि मंदसौर में हुई गोलीबारी में दोषी आरोपियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाएगा। इसी क्रम में महाराजपुरा निवासी कांग्रेस के किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव राम सेवक मवई महाराजपुरा पर धर्मेंद्र गुर्जर का अपने सैकड़ों साथियों के साथ जोरदार स्वागत किया। जी, अभी तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही और किसानों की हालत जो थी सबने देखी है। अब आपकी सरकार आई है तो आप किसानों के लिए क्या अच्छे से अच्छे कदम? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद आधे घंटे बाद ही 50 लाख किसान भाइयों के मध्य प्रदेश में कर्जे माफ़ किए, 2 लाख के, और जो बैंकों में जो गड़बड़ किसान भाइयों के साथ किए उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। 1,000 रुपये किसान भाइयों को पेंशन प्रतिमा दी जाएगी। गौशालाएँ 3 माह के अंदर अंदर जल्दी खोली जाएंगी और बेटी की शादी में 51,000 रुपये दिए जाएंगे। जन योजना में 26,000 रुपये दिए जाएंगे और नए नए उद्योग और छोटे व्यापार उद्योग करके रोजगार दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। और जो आने वाले नरेंद्र मोदी ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया, 15 लाख रुपए किसी खाते में नहीं आए, फसल बीमा के नाम पर लूटने का काम किया है, उसका जवाब देश की जनता और प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में देगी। भैया, गोलीकांड हुआ था किसानों पर, उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ उसके प्रदेश के अंदर तपती गर्मी में हमने 32 दिन की यात्रा करके पूरे किसान भाइयों की लड़ाई प्रदेश में लड़ी थी और जो शहीद हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान को आत्माएं माफ नहीं करेंगी, नरेंद्र मोदी को उनकी आत्माएं माफ नहीं करेंगी और इस प्रदेश में और देश में कांग्रेस का राज होगा और किसानों का राज होगा। इस दोषियों पर क्या कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, दोषी हैं उनके खिलाफ जेल जाएं। किसान भाइयों के साथ जो जुल्म अत्याचार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए